आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट लो सामो। वो मंसूर हल्लाज थे ना, बड़े सूफी थे, इड्डी वड्डी वो बला सी। वो सूफिया कराम ना जब बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं तो इन पे हवाला आना शुरू हो जाते हैं। जब इंसान बहुत ज्यादा मुनहमिक होता है, इड्डा मोटा वर्ड, तो ऐसे हालात आते हैं जो नॉर्मल नहीं होते। उर्दू अड़न नहीं कुछ ही होना चाहिए। बहुत अल्लाह का जिक्र करते करते ऐसे गुम हो गए थे कि इन्होंने अपने आप को अल्लाह कहना शुरू कर दिया था। अन अल्लाह, मैं ही अल्लाह हूं। अस्तगफिरुल्लाह। ते सीधी तरह को तुम्हारे बुजुर्ग पागल सन, ए ना क्यों रखे जे कलंदर मजनून हैं? सीधी तरह को पागल, जाहिर है ये जुमला कुफरिया है। वाकई वाकई। अब तो सूफिया कराम समझते थे कि भाई ये आप ऐसे बाहर हो गए, ये कोई मुशरिक नहीं है, काफिर नहीं है, ये तो फारग ने। इनकी जहनी कैफियत सही नहीं है। फलाने बुजुर्ग बिल्कुल अलफ नंगे सन, तुसी क्यों नहीं होंदे उन्होंने पीछे नंगे? कहंदे उन्हें शरीयत का कलम उठाया सी, क्यों? मजजूब सी, शतहियात, बोंगियां, पागल, कलम उठाया सी उन्हें। तो जिस बंदे तो कलम ही उठाया है उन्हें फॉलो कर दो आप। तो सूफिया किराम इनका दिफा करते थे, वेले बैठे ने, क्योंकि जानते थे जब जिस शख्स के हालात आप जानते हो तो जब वो कोई ऐसी बात जबान से अदा करता है तो आप उसकी तावील करते हैं ना कि भाई हम इसका माजी जानते हैं, हाल जानते हैं, ऐसा नहीं तो कौन सा तीर मारा। लेकिन इस्लामी हुकूमतें थी तो जो उलमा थे उन्होंने फतवा दिया कि भाई ये तो आप मैं कह रहे हैं कि मैं अल्लाह हूं तो ये इनको तो कत्ल किया जाए। हाय हाय हाय, काम चुक के रखो। आज बहुत से लोग ना इन सूफी के वाकयात निकाल के कहते हैं देखो ये हनफी और ये लोग ऐसे होते हैं, इनके यहाँ तो अनल हक जैसे सूफी गुजरे हैं और इनके गाटे आके फिट हो गए। उनका दिफा करते हैं। तो ये डंगर है मेरे भाई, इन्होंने मनने वाले सारे डंगर। जिन उलमा ने उनके खिलाफ फतवा दिया था ना इनको कत्ल किया जाए, वो भी हनफी थे। वाकई सुचे हनफी हो। मजजूब कहते हैं जी, वो जज्ब की हालत में चला जाए, कलंदर जिसको होश नहीं रहती और वो ऐसी होश उसकी जाती है कि वो नंगे भी फेर रहे होते हैं, ठीक हो रहे। और वो कहते हैं जी देखें जी ये मजजूब हो चुके हैं, इनके ऊपर तो शरीयत ही कोई नहीं है ना, तो असल में वो पागल हो चुके होते हैं। ये बढ़िया था गुरु बुजुर्ग ते आण के पाई गेड़े सीधी जी गल है।